इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16। अभी आपके बैंक और एनबीएफसी कंपनी आपको एक नोटिस भेज रहा है, अगर आपने अपने ईएमआई को पे नहीं किया तो बैंक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 के तहत आपके घर को और आपके दुकान को नीलाम करके आपको दिवालिया घोषित करके अपने लोन की वसूली करेगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 60 होता क्या है? ये किस लोन पर लगाया जाता है? अगर आप पे लगाया गया तो आप इससे कैसे बच सकते हो? इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं साकेत, आप देख रहे हो Hit Me 05। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 होता क्या है। पहले जब बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने लोन की वसूली नहीं कर पाते थे तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे, जो काफ़ी टाइम टेकन था। इसमें ज़्यादातर केस में इतना ज़्यादा समय लग जाता था कि बैंकों के पास उनका पैसा नहीं आ पाता था। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को यह अधिकार दिया कि आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 के तहत ग्राहक ने जो भी कोलैटरल के रूप में रखा है, अपने घर को, अपने दुकान को, आप उसको नीलाम करके अपने कर्ज की वसूली कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत लोगों के मन में सवाल आता है कि मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी 50 लाख का है और बैंक लोन 25 लाख का है, तो क्या वो पूरा 50 लाख का संपत्ति आपके हाथ से चला जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बैंक सिर्फ 25 लाख का जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के बाकी के 25 लाख आपको रिटर्न कर देगी। आप बैंकों से मांग भी सकते हो, ये आपका अधिकार है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी एसोसिएशन IBA, इनका मुख्य काम यही होता है कि जो भी लोन है किन से वसूलना है, ये पूरा जो रेगुलेटरी है ये IBA द्वारा संचालित किया जाता है। किन से पैसा लेना है, किन से कैसे रिकवरी करना है, कब नीलामी करना है, कब दिवालिया घोषित करके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 के तहत उनसे उनका प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे की वसूली करना है, तो IBA पूरा देख रेख करती है। IBA का मुख्य काम क्या होता है? जब बैंक और NBFC कंपनी को लगता है कि अब उनका पैसा रिकवर नहीं होगा तो IBA के पास जाती है। IBA आपके और बैंक के बीच में सुलह करवाता है। उसके बाद आपके पास एक नोटिस आता है। उस नोटिस के बाद जब आप अपने पैसे को देने में असक्षम होते हो तो पहले 2 महीने, फिर 1 महीने का एक और नोटिस आपके पास आता है। उसके बाद बैंक और NBFC कंपनी IBA के द्वारा आपके घर को, पहले आपको दिवालिया घोषित किया जाएगा, उसके बाद आपके घर और दुकान को नीलाम करके अपना पैसा वसूलेगी। पर अब सवाल उठता है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड किस लोन पर एप्लीकेबल है? अगर आपने बिजनेस लोन ले रखा है, अगर आपने कॉरपोरेट लोन ले रखा है, ये तभी एप्लीकेबल होता है। तभी IBA आपको दिवालिया घोषित करके आपके दुकान और आपके घर को नीलाम करके अपने कर्ज की वसूली करेंगे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके बैंक और NBFC कंपनी छोटे कस्टमर को, जिनका लोन 1 लाख 2 लाख, किन्होंने TV लिया है, किन्होंने फ्रिज लिया है, किन्होंने पर्सनल लोन लिया है, किन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है, तो सबसे पहले अगर आपके पास फ़ोन आ रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 पहले तो सिक्योर लोन में लगता है। अगर आपका अनसिक्योर लोन है, आपके पास फिर भी आपको मैसेज आ रहा है, तो आप उनको आराम से कहो आप पे जो करते बनता है करें। अब यहाँ पे बात आता है कि उनका सिक्योर लोन है, वो परेशान हो जाएंगे कि उनके घर को, उनके दुकान को कहीं बेच न दिया जाए, तो उनको भी डरने की कोई बात नहीं है। ये बिजनेस लोन में और कॉरपोरेट लोन में अप्लीकेबल है, वो भी जब आपके लोन 50 लाख से ज़्यादा हो। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कंपनी जब अपने पैसे को नहीं रिकवर कर पाती तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 लगाया जाता है, उनको नीलाम करके बैंक अपने पैसे की वसूली करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल कस्टमर है, जिनका 1 लाख 2 लाख 50 लाख से नीचे का लोन है, जो अभी डर रहे हैं, तो उनको डरने की अभी कोई बात नहीं है। मेरे कस्टमर थे जिन्होंने ये कमेंट किया था, उस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अगर आप डर रहे हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 16 के नोटिस से, तो फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है। आप पूरी जानकारी रखो और उनको सही से बताओ, आपको जो करते बनता है कीजिए, यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। रिकवरी एजेंट या बैंक आपके डर का फ़ायदा उठा के आपको परेशान करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बढ़िया सा लाइक कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।